हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 23 के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रीजा के हमले से गोहान को बचाने के लिए पिकलो बीच में आता है और वो मर जाता है। सभी लोग काफी परेशान हैं और ट्रंक्स कहता है कि वो पिकलो की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा है। गोहान काफी गुस्से में आ जाता है और फ्रीजा को गोहान की ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था। गोहान अपने आप को पिकलो की इस हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था, तो उधर जाको भी कहता है कि इन लोगों से लड़ना एक अच्छा आइडिया नहीं था। बल्मा गोकू और वेजिटा के बारे में सोच रही थी, जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। विस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, वहीं बीरस पिज्जा को एंजॉय कर रहा है। बीरस विस से और पिज्जा लाने को कहता है, पर विस कहता है कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी छड़ी अभी बिजी है। बीरस फिर भी जिद करता है और विस गोकू और वेजिटा को उस चैम्बर से बाहर ले आता है। विस गोकू और वेजिटा को क्लीन करता है और अपनी छड़ी से पिज्जा के बॉक्सेस बाहर निकालता है, जो कि वेजिटा और गोकू ने पहले ही खाकर खत्म कर दिए थे। बीरस गुस्से में उन दोनों के पीछे भागने लगता है और वो तीनों जंगल में लड़ रहे थे। विस की छड़ी ग्लो करने लगती है, जिसमें उसे बल्मा दिखती है, जो कि विस को बुलाने की कोशिश कर रही थी। विस उस डिश को खाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और बल्मा उसे बात करती है। बल्मा गोकू और वेजिटा को जल्द से अर्थ पर आने को कहती है, क्योंकि फ्रीजा फिर से वापस आ चुका है। सोरबेट पूछता है कि क्या वो बल्मा को खत्म कर दे, पर फ्रीजा उसे रोक देता है। गोकू अपने और फ्रीजा के बैटल को याद करता है, जब विस उन्हें वहां का पूरा माहौल दिखाता है। बल्मा आगे कहती है कि फ्रीजा काफी पावरफुल हो चुका है और उसने पिकलो को भी मार दिया है। इतना सुनते ही वो दोनों अर्थ पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर विस कहता है कि उन्हें कम से कम 35 मिनट लगेंगे अर्थ पर पहुंचने में। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी यूज करने की कोशिश करता है, पर वो अर्थ पर किसी की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा था। फ्रीजा कहता है कि गोकू इमीडिएटली यहाँ नहीं आ सकता, तो तब तक वो उसके दोस्तों को मार देता है ताकि जब गोकू आए तो उसे और भी मजा आए। सभी जी वॉरियर्स घबराए हुए हैं। गोहान हिम्मत करके वापस खड़ा होता है और कहता है कि उसके पास सबको बचाने की स्ट्रेंथ तो नहीं है। कैप्टन गिन्यू कहता है कि गोहान ऐसा क्यों कर रहा है। गोहान कहता है कि अगर उसने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी होती तो वो पिकलो को मरने से बचा सकता था। क्रिलन गोहान को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि तभी फ्रीजा कहता है कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। गोहान को गुस्सा आने लगता है और वो पावर अप करने लगता है। सभी को गोहान की चिंता हो रही थी, पर गोहान नहीं रुकता। गोहान सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू उसकी एनर्जी को बीरस के प्लेनेट पर सेंस कर लेता है। गोकू और वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वहां से चले जाते हैं। गोहान बिल्कुल अधमरा हो जाता है और जैसे ही फ्रीजा अपनी बीम से उसे मारने वाला था, गोकू वहां आ जाता है। फ्रीजा का इंतजार खत्म होता है क्योंकि गोकू वहां फाइनली आ गया है। बल्मा, ट्रंक्स और गोटेन उन्हें देखकर काफी खुश थे। क्रिलन गोहान का प्लान समझ जाता है। सोरबेट फ्रीजा से पूछता है कि क्या ये वही सहन है जिसने आपको हराया था। फ्रीजा कहता है कि वो ये शक्ल कभी भी भूल नहीं सकता। गोहान गोकू से माफी मांगता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और गोकू पिकलो की बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देता है। गोकू काफी गुस्से में लग रहा था। वो गोटेन और ट्रंक्स को डेंडे के पास जाने को कहता है और इधर फ्रीजा आर्मी गोकू की तरफ बढ़ रही थी। क्रिलन गोहान को सेंजू बीन खिलाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। फ्रीजा कहता है कि उसने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है और वो अपना बदला लेकर रहेगा। गोकू फ्रीजा से पूछता है कि वो वापस जिंदा हुआ कैसे, जिस पर वेजिटा कहता है कि इसने पक्का ड्रैगन बॉल्स यूज करी होंगी। फ्रीजा अपने हेल में बिताए दिनों के बारे में बताता है और उनको याद करके वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि गोकू की वजह से उसे इस सब से गुजरना पड़ा और अब वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। कैप्टन गिन्यू उनके सामने अपनी कहानी भी बताने लगता है, पर वेजिटा एक ही ब्लास्ट से उसे मार देता है। फ्रीजा वेजिटा की पावर से भी काफी इंप्रेस होता है। फ्रीजा कहता है कि गोकू के मारने के बाद वो वेजिटा को भी मारेगा, पर वेजिटा कहता है कि उससे पहले वो फ्रीजा को ही मार देगा। गोकू फ्रीजा की बढ़ी हुई पावर को सेंस कर लेता है। फ्रीजा बोलता है कि उसने ट्रेनिंग कर है ताकि वो गोकू को मार सके और उसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गोकू भी कहता है कि
उसने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और अब वो भी काफी स्ट्रांग हो चुका है। फ्रीजा कहता है कि वो अब अपनी सीधा फाइनल फॉर्म में लड़ेगा और टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फ्रीजा पावर अप करने लगता है। फ्रीजा के पावर अप एनर्जी से उसकी सारी आर्मी खत्म हो जाती है। गोकू और वेजिटा फ्रीजा की पावर देखकर हैरान होते हैं और गोकू कहता है कि वो ही फ्रीजा से लड़ेगा क्योंकि वेजिटा ने कैप्टन गिन्यू को मार दिया था तो उसका चांस चला गया है। गोकू कहता है कि अगर फ्रीजा बुरा नहीं होता तो वो दोनों राइवल्स हो सकते थे। फ्रीजा पूछता है कि क्या गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, तो गोकू कहता है कि अभी उसको इसकी जरूरत नहीं है और वो दोनों पावर अप कर एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं। फ्रीजा अपना रिवेंज शुरू करने वाला है और हमें गोकू वर्सेस फ्रीजा 2.0 फाइनली देखने को मिलेगा।